नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका topusexam.com आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 करंट अफेयर्स सॉल्व प्रश्न उत्तर हिंदी में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएँ ताकि हम आगे भी और बेहतर जानकारी आप तक लाते रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2018। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन है लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 190 करोड़ रुपये की आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं और पाइपलाइन परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और किस दूसरे देश के बीच नाफ्टा समझौते को लेकर सहमति बनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है भारत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा। कनाडा वो देश है जिसकी अभी हाल ही में नाफ्टा समझौते को लेकर अमेरिका के साथ सहमति बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया समूह की सदस्यता ग्रहण की है। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018 में जो सूची जारी की गई उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 40वां स्थान, दूसरा ऑप्शन है 42वां स्थान, तीसरा ऑप्शन है 44वां स्थान और चौथा ऑप्शन है 48वां स्थान। तो दोस्तों, ऑप्शन एक बार फिर देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें पहला ऑप्शन है 40वां स्थान, दूसरा ऑप्शन है 42वां स्थान, तीसरा ऑप्शन है 44वां स्थान और चौथा ऑप्शन है 48वां स्थान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 44वां स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ राजकोट में जारी पहले टेस्ट में विराट कोहली ने कप्तान के तौर पर अपना कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया है। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से हैं, 40वां, दूसरा ऑप्शन है 42वां, तीसरा ऑप्शन है 30वां और चौथा ऑप्शन है 48वां। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 40वां, दूसरा ऑप्शन है 42वां, तीसरा ऑप्शन है 30वां और चौथा ऑप्शन है 48वां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 30वां। कप्तान विराट कोहली ने राजकोट में अपनी पहली जो पारी है उसमें अपना 30वां अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए कितने साल की सज़ा सुनाई है। तो इसमें ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है 15 साल, दूसरा ऑप्शन है 10 साल, तीसरा ऑप्शन है 16 साल और चौथा ऑप्शन है 20 साल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 साल। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिग्स बोसोन कण को द गॉड पार्टिकल का नाम देने वाले किस नोबेल पुरस्कार विजेता का 96 वर्ष में निधन हुआ। तो इसमें पहला ऑप्शन है लियोन लिडरमैन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट सीमैन, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज माइकल और चौथा ऑप्शन है एडम मैथ्यू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोन लिडरमैन। जी हाँ, लियोन लिडरमैन ने ही हिग्स बोसोन कण को द गॉड पार्टिकल का नाम दिया था, जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा यात्री के चेहरे और बायोमेट्रिक से एयरपोर्ट पर एंट्री करने की सुविधा जारी की गई, तो इस सुविधा का नाम क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है डिजी यात्रा, दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट एयर यात्री, तीसरा ऑप्शन है फेस स्कैनर और चौथा ऑप्शन है इजी यात्रा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डिजी यात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 8। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की वह अधिकारी जिसे हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी परमाणु विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है रीता बरनवाल, दूसरा ऑप्शन है गीता रावत,
तीसरा ऑप्शन है कीर्ति चाहर और चौथा ऑप्शन है दीप्ति कोचर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रीता बरनवाल। अगला प्रश्न है हाल ही में वर्ष 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस यजीदी दुष्कर्म पीड़िता को संयुक्त रूप से कांगो के डॉक्टर मुखवेगी के साथ चयनित किया गया है। तो इसमें ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है मारिया फातिमा, दूसरा ऑप्शन है नदिया मुराद, तीसरा ऑप्शन है शाहीन बानो और चौथा ऑप्शन है नूरा असगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है नदिया मुराद। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा एक जनपद एक उत्पाद किस राज्य की योजना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा जारी विश्व के नए नक्शे को क्या नाम दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इक्वल अर्थ, दूसरा ऑप्शन है न्यू मैप, तीसरा ऑप्शन है अर्थ मैप और चौथा ऑप्शन है एस्ट्रो मैप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है इक्वल अर्थ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी देने के लिए ऑनलाइन ई सहज पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है हाल ही में किन देशों के मध्य निःशस्त्रीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसमें ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है रूस और जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है भारत और चीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है हाल ही में किस फिल्म ने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित ग्रॉल्स पीपल्स चॉइस मिडनाइट मैडनेस अवार्ड जीता है। तो इसमें ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है मर्द को दर्द नहीं होता, दूसरा ऑप्शन है स्त्री, तीसरा ऑप्शन है ग्रीन बुक और चौथा ऑप्शन है ए स्टार इज बोर्न। इसमें फिल्म के बारे में पूछा गया है कि किस फिल्म में यह अवार्ड जीता है। तो इसमें सही जो उत्तर है वो है मर्द को दर्द नहीं होता। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा एक जनपद एक उत्पाद किस राज्य की योजना है। तो इसमें ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है साल 2018 में चीन ने किस अत्याधुनिक हाइपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है शिंगकोंग 2, दूसरा ऑप्शन है नानचांग, तीसरा ऑप्शन है चेंगदू और चौथा ऑप्शन है शियांग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है शिंगकोंग 2। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और अधिक से अधिक संख्या में लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें। topusexam.com पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और कोशिश करेंगे आगे भी और बेहतर जानकारी आप तक लाने के लिए। धन्यवाद।